आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। दोस्तों, आज मैं बड़िहार राजपूतों की कुलदेवी चामुंडा माता के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुम निशुम और सेनापति चंडमुन जैसे असुरों का विनाश करने से माता कालिका चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता कालिका को पुराणों के अनुसार माता दुर्गा का सातवां अवतार माना जाता है तथा माता चामुंडा को भगवती दुर्गा का आठवां अवतार माना जाता है। इसलिए माता चामुंडा को अष्ट मातृका, ऋण्यवासिनी तथा अम्बा रोया भी कहा जाता है। देवी चामुंडा के परम भक्त बड़िहार नाहडराव गाजन के वंशज घंटियाला गांव निवासी ठाकुर खाकोजी बड़िहार माता चामुंडा को कुलदेवी के रूप में पूजा अर्चना और आराधना करने चामुंडा गांव जाते थे, जहां चामुंडा देवी का मंदिर था। चामुंडा गांव जोधपुर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां एक ऊंची पहाड़ी पर माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि यह प्रतिमा देवी की शक्ति से प्रकट हुई है। मंदिर के आगे के भाग में यज्ञ कुंड बना हुआ है। अद्भुत परिक्रमा स्थल वाले इस मंदिर में माता चामुंडा की शिलालिपि प्रतिमा अपने पांव पर खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद देते नजर आती है। अन्य क्षत्रिय वंशों की तरह मंडोर के पूर्व बड़िहार वंश के शासकों ने भी शक्ति के प्रतीक के रूप में माता चामुंडा को कुलदेवी के रूप में पूजा अर्चना और आराधना की और अपनी राजधानी मंडोर में माता की प्रतिमा स्थापित की। मंडोर के बड़िहार शासक राव चुंडा राठौर को मंडोर का राज्य प्रशासन का भार सौंप कर निश्चित होकर चले गए। राव चुंडा राठौर मंडोर का राज्य मिलने के पहले से ही माता चामुंडा के परम भक्त थे। अपने काका संत शासक रावल वनीला जी के यहाँ रहते हुए राव चुंडा राठौर अक्सर चामुंडा गांव में स्थित माता चामुंडा के मंदिर में दर्शनार्थ जाते रहते थे। लोक मान्यता है कि राव चुंडा को एक बार माता चामुंडा ने सपने में दर्शन देकर बताया था कि सुबह एक बंजारा घोड़ों के काफिले के साथ इधर से होकर निकलेगा। घोड़ों की पीठ पर सोने की ईंट लदी होगी, ये ईंटें मेरे भाग्य में है। प्रातःकाल होते ही राव चुंडा ने बंजारे को मार कर सोने की ईंटें सहित घोड़ों को हस्तगत कर लिया और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई। आगे चलकर इंदा राणा उगमसी की पौत्री का विवाह राव चुंडा राठौड़ के साथ हुआ और साथ में मंडोर का किला राव चुंडा राठौड़ को दहेज में मिल गया, जहां राव चुंडा ने अपनी इष्ट देवी माता चामुंडा का बड़िहारों द्वारा प्रतिष्ठापित स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाया। राव चुंडा के पुत्र राव जोधा ने सुरक्षा की दृष्टि से मेहरानगढ़ के नाम से दुर्ग बनाकर जोधपुर नगर की स्थापना की। तब मारवाड़ की रक्षा करने वाली वह अपने पिता की इष्ट देवी व बड़िहारों की कुलदेवी को अपनी इष्ट देवी स्वीकार करते हुए मंडोर से माता की प्रतिमा लाकर जोधपुर में प्रतिष्ठापित करवाया। राठौड़ों की कुलदेवी मूलत नागनीचा माता है, पर राव जोधा ने माता चामुंडा को अपनी इष्ट देवी के रूप में स्वीकार कर अपने वंश व राज्य की संरक्षिका बनाकर संपूर्ण सुरक्षा का भार सौंपा, जिसे माता 550 वर्षों से निभा रही है। गढ़ चौधाणे ऊपरे बेटी पंख पसार अम्बा थारो आसरो तू ही है रखवार चावण थारी गोद में खेल रहे हो जोधाण तू ही निगे राखी जे थारा टाबर जा। 9 अगस्त 1857 को दुर्ग में स्थित गोपाल पोल के पास भाटी गोविंद दास की हवेली के निकट बिजली पड़ी, जिससे बारूद के कोठार में विस्फोट हुआ। ख्यात में विस्फोट का कारण गणपत लाल के द्वारा बारूद के कोठार में बीड़ी जलाने के कारण लिखा है। विस्फोट का कारण चाहे कुछ भी रहा हो, परंतु राव जोधा कालीन चामुंडा माता का मंदिर शत विशत हो गया, परंतु माता की मूर्ति एकदम सुरक्षित रही। इस भयंकर विस्फोट से भारी तबाही हुई और लगभग 300 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। विस्फोट से किले सहित नगर के कई निर्माण धराशायी हो गए थे। कहा जाता है कि विस्फोट से चौपासनी गांव तक पत्थर गिरे थे। इस विस्फोट में मृतकों की भारी संख्या के चलते उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक कम पड़ गई थी। इतनी भारी मात्रा में मौतें होने के कारण तत्कालीन महाराजा तगत सिंह जी ने
ज्योतिषियों की सलाह पर एक शांति हवन करवाया और तत्पश्चात ही माता के मंदिर का महाराजा तखत सिंह जी ने पुनर्निर्माण भी करवाया। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की 13 को जोधपुर किले में स्थित इस माता चामुंडा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।